अस्सलाम वालेकुम ग्रैनी चैनल की तरफ से फरहत का सलाम। आज भी हमें पूरी फैमिली को तकरीबन इतनी क्रेविंग हो रही थी ना कि मीठा खाएं मीठा खाएं। अब मुश्किल है कि आजकल लॉकडाउन के सिलसिले में हम वो बाहर से तो बिल्कुल नहीं मंगवा रहे चीज़ें। तो देखिए चलते हैं, आज मेरी डिश है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, हनी कॉम। हनी कॉम के जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैदा है, मैंने पहले से डाल के रखा था ताकि आसानी हो जाए, 1 3/4 कप। तो ये 1 कप है, ये 1.5 है और ये 1/4 है। तो ये मिला के हो गया 1 3/4 कप। इसके साथ एक अंडा इसमें जाएगा, पिंच ऑफ सॉल्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, 1.5 टेबलस्पून ऑफ शुगर और 1 टेबलस्पून फुल, नॉट वेरी हीप्ड बट मोर देन लेवल्ड, ये है अपना पाउडर मिल्क। मैं ज़्यादातर नीडल इस्तेमाल करती हूँ इसलिए आप भी यही कीजिएगा। अच्छा, फिर है ईस्ट का है 2/3, और इसके साथ अच्छा इसमें मैं फिर ये अब छान लूँगी जब बाद में भी हम बनाते हैं इसको मिक्स करते हैं। इसमें जो इसके अंदर स्टफिंग की जाती है बॉल्स बनाने के बाद, उसमें हम ये वाला आमतौर पे हैप्पी काओ जो है इसका जायका अच्छा आता है इसके अंदर। तो इसमें आमतौर पे 5 यूज़ होते हैं क्योंकि हर बॉल के अंदर इसके 4 हिस्से में करती हूँ और एक पीस उसके अंदर रखती हूँ। तो देखते हैं अभी आप जब देखेंगे, ये जो है ये हमें चाहिए 2 टेबलस्पून ऑफ सॉफ्टन बटर। ये अच्छा ये तो हो गया एक स्टेप जो कि हम डो के लिए तैयार करेंगे। दूसरे स्टेप में हनी कॉम्स के लिए हमें चाहिए होगा सिरप, जो कि हम 1/2 कप शुगर 1/2 कप वाटर ये हम पैन में लेंगे, दोनों मिलाएंगे और इसको हम इतना गर्म करेंगे कि ये सिर्फ डिज़ोल्व हो जाए। चीनी को शीरा नहीं बनाना, सिर्फ आपने डिज़ोल्व करना है। जब ये डिज़ोल्व हो जाए तो आप पैन को चूल्हे से उतार लें और इसके अंदर ये चंद स्ट्रैंड्स जो हैं ज़ाफ़रान के वो मिक्स कर दें और 1 टेबलस्पून ऑफ हनी मिक्स करके आप उसको थोड़ा डिज़ोल्व करें और उसको एक साइड पे रख दें ठंडा होने के लिए, क्योंकि ये हमें ठंडा इस्तेमाल करना है। अब ये हम हनी कॉम्स के लिए सिरप बना रहे हैं, वही जो मैंने आपके सामने 1/2 कप चीनी और 1/2 कप पानी डाला था। अब ये सिर्फ हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये डिज़ोल्व हो जाती है। तो चलिए डिज़ोल्व होती है तो फिर मिलते हैं। ये देखिएगा चीनी ऑलमोस्ट डिज़ोल्व हो चुकी है। अब मैं चूल्हे को बंद कर रही हूँ और फिर मैं दिखाती हूँ कि इसके अंदर ज़ाफ़रान और शहद मिलाते हुए। तो चलिए आए देखते हैं, चूल्हा हम बंद कर देते हैं और इसको हम एक साइड पर उतार लेते हैं। अब इसके अंदर हम ये जो ज़ाफ़रान हमने लिया था ये हम डाल रहे हैं और 1 टेबलस्पून हनी का इसके अंदर डिज़ोल्व कर देंगे। बस ये आपने उतना ही घुमाना है कि इसके अंदर हनी मिक्स कर दें। ये हमारा सिर्फ तैयार हो गया है, अभी हम एक साइड पे ढांक के रख देंगे और बाद में इसको यूज़ करेंगे। ये मैंने मैदा छान लिया तो ये हम अब बोल में ले लेंगे। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स पहले डाल लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से मिक्सअप हो सकें। तो ये हो गया, अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ ड्राई मिल्क, इसके बाद हम 1.5 टेबलस्पून ऑफ शुगर, ये आपके सामने करूँगी ताकि आपको पता चले कि कितना है ये और ये 1/2। इसके साथ ईस्ट आपके सामने डालूँगी ताकि अच्छा टीस्पून का साइज़ देख लीजिएगा प्लीज़, कई बार टीस्पून कुछ थोड़े से बड़े होते हैं इससे। तो ये 3/4 डालना है आपने, इंस्टेंट ईस्ट है तो ये तकरीबन इतना आप इसके अंदर ऐड करेंगे। ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो वो उसकी एक ख़ास स्मेल है जो फिर हमें बाद में महसूस होती है, इसलिए ज़रा थोड़ी एहतियात कीजिएगा। इसके साथ ही नमक, अब इसको अच्छी तरह से पहले आप मिक्स करें।
और इस अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून भरे हुए मक्खन जो कि पहले मैं आपको दिखा चुकी हूँ वो डालेंगे। और अंडा और इसके साथ ही 2 टेबलस्पून ये ऑलिव ऑयल था पड़ा इसलिए मैं डाल रही हूँ, ना हो तो आम जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल ऑयल वो आप डाल सकते हैं, लेकिन घी इस्तेमाल ना कीजिएगा प्लीज़। तो ये हो गए, अब हम आगे चलते हैं और फिर बताते हैं आपको कि और क्या मिक्स करना है। चलें अब हम इसको बीट करना शुरू करते हैं जब तक ये आपस में अच्छी तरह मिक्स ना हो जाए। अच्छा अब ये देखिएगा कि ये सूरत हाल होगी। अच्छा अब इस पहले मैंने ये नहीं था बताया कि मिक्सअप ना हो जाए, इस स्टेज के ऊपर हमने एडिशनल 2 टेबलस्पून मक्खन और 1/2 कप ऑफ मिल्क। अच्छा ताज़ा भी हो लेकिन मैं तो वो ज़ाहिर है कि पैकेट का इस्तेमाल करती हूँ नेस्ले का। अब हम इसको लेके तो इसको थोड़ा माइक्रो कर लेना ताकि हल्का सा वार्म हो जाए, ताकि ईस्ट के लिए भी बेहतर हो जाएगा और वैसे भी टेम्परेचर से थोड़ा ईस्ट जल्दी जल्दी काम करता है अपना। तो मैं इसको माइक्रो करती हूँ और आपके सामने फिर मिक्स करती हूँ। ये मैंने माइक्रो कर लिया 30 सेकेंड्स, तो अब ये ल्यूक वॉर्म है। अब आप इसको इसके अंदर पोर करेंगे और मिक्स करेंगे। चलिए आए मिक्स करते हैं। थोड़ा सा इस तरह चला लीजिएगा ताकि वो एकदम से फैले ना। अच्छा ये थोड़ा सा जब लाइट एंड फ्लफी आपको फील हो कि थोड़ा, क्योंकि ये जब करता है इंसान तो उसको फील हो रहा होता है कि ये अभी थोड़ा हैवीनेस है इसके अंदर, अच्छा इसके साथ है कि अगर लाते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक नहीं भी है घर में तो कभी मेरा मूड नहीं होता कि जी मैं इलेक्ट्रिक का निकाल लूँ और उसको जोड़ूँ, तो मैं कभी कभी हाथ से भी इसको कर लेती हूँ मिक्स, तो बेहतरीन हो जाता है। आप थोड़ा सा ज़रा ज़्यादा उसको टाइम दे लें। बहरहाल आपने थोड़ा सा इस तरह सूरत हाल करनी है, उसके बाद आपने इसको, अब हम इस डो को ऊपर प्लेट लगा के या रैप लगा के आप इसको 1 से 1.25 घंटे तक रेस्ट देंगे जब तक ये, अच्छा वो देखने से पता चल जाएगा कि ये फूल गया है। अच्छा गर्मियों में ये थोड़ा टाइम कम लेता है जबकि सर्दियों में ये टाइम ज़रा ज़्यादा लेता है टेम्परेचर की वजह से। तो अब ये मेरा ख्याल हो सकता है कि ये 1/2 घंटे के बाद हम इसको फिर से, और जब मैं 1/2 घंटे के बाद इसको देखूँगी तो मैं आपको फिर से दिखाती हूँ कि क्या सूरत हाल है, आया 1/2 घंटे में तैयार हो गया या उससे ज़्यादा टाइम लिया है। लेकिन सर्दियों में इसका टाइम वही तकरीबन 1 से 1.25 घंटा 1.5 घंटे के दरमियान ही ये तैयार होता है। ये हम इस पर क्लिंग लगा चुके हैं तो हम इसको 1/2 आवर के बाद देखेंगे इसकी क्या सूरत हाल है। आइए देखते हैं, तकरीबन 40 मिनट हो गए थे इसको, अब ये तकरीबन देखें कि ईस्ट ने अपना काम शुरू किया है। वैसे तो तकरीबन ये देखिएगा कि ये अब खुल गया है, लेकिन मैं चाह रही थी कि 10 मिनट अगर और हो जाएं तो ये अच्छा तैयार हो जाएगा। चले मिलते हैं 10 मिनट के बाद। अब ये मेरा ख्याल है बिल्कुल तैयार है, बस आप इसको थोड़ा स्मूथ ऐसे करें। ये आप रोलिंग मैट पे अगर हो, वरना स्लैब के ऊपर भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा डस्ट करें मैदा, ये दरअसल थोड़ी सी गर्मी है ना तो इसलिए ज़रा वो थोड़ा आपको ज़रा उसको संभालना मुश्किल हो रहा, वरना ये बड़ा सर्दियों में तो खैर बहुत ही अच्छा सा हो जाता है। अच्छा जी अब आप इसके 22 एक जैसे तकरीबन आप हिस्से करेंगे, पहले आप बीच में से कर लें ताकि थोड़ा सा आपको अंदाज़ा रहे कि इसमें से हमने अब 10 लेने हैं। एक 2 3 4 5 6 7 9, अब ये जो 9 हैं हम 9 बनाएंगे।
हर एक में से थोड़ा सा पोर्शन अलग-अलग करके आप इसको पूरे 10 कर लें, क्योंकि अभी इन्होंने थोड़ा सा और रेज होना है। जब हम बॉल बना के रखेंगे तो ये थोड़ा सा हम इनको रेस्ट देंगे 10 मिनट्स का, और ये थोड़ा सा और रेज होगा हमारा मवाद। तो चलते मिलते हैं बॉल्स बनाने के बाद। 22 बॉल्स तकरीबन एक ही जैसे तैयार हो गए हैं। मैं आपको दो पीस इसको फिल करके दिखाती हूँ। आपने एक इसके अंदर पीस रखना और इसको चारों तरफ से बंद कर देना और इसको ऊपर से स्मूथ करें। और अच्छा, ये ब्रश करना है, मैंने तेल डाल के रखा था ताकि आपको दिखा सकूं। इतना सा बस तेल हो, पार्चमेंट पेपर है तो लगाएं, नहीं अगर आपका बर्तन बिल्कुल साफ़ सुथरा तो ठीक है। मेरा थोड़े से स्क्रैचेज आ गए थे तो इसलिए मैंने ये ज़रूर यूज़ करती हूँ। तो इसको अब आपने इनको ऐसे प्लेस करते जाना है। अब दूसरा देख लीजिएगा, हमने ये चार पीस करने हैं एक क्यूब में से। और इससे हमने सर्कल में बनाते जाना। अच्छा, ये हम अब ये जब ये ओवन में जाएगा और ये बेक होगा तो ये जो गैप्स हैं ये फिल हो जाएंगे, और इनको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। तकरीबन ये 25 से 30 मिनट के दरमियान में हम देखेंगे। अच्छा, इट डिपेंड्स ओवन टू ओवन, जैसे कई ओवन थोड़े पुराने हो जाते हैं तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि ये गोल्डन ब्राउन हो और जले ना लेकिन, और उस वक्त आप इसको निकालें। अब हम 10 मिनट के बाद थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं कि ये रेज हो जाएं। तो फिर उसके बाद आप एक अंडा बीट करके रखें और साथ में तिल सफ़ेद। तो हम फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखिएगा, थोड़ा सा फूल गए और भी मज़ीद। अब हमने जो अंडा फेंट के रखा हुआ है उसके साथ हम इनको ब्रश करेंगे, बस हल्का हल्का, ताकि कलर इनका फिर ज़रा गोल्डन अच्छा होता है। ब्रश ना हो तो आप टिश्यू पेपर या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच से भी हो जाता है, टीस्पून से। अच्छा, अब ये जो सफ़ेद तिल हैं इनको आप हरे के ऊपर जितना आपको, अगर तो आप शौकीन हैं इसके जायके के तो फिर तो आप ज़्यादा छिड़कें। हम शौकीन हैं तो मैं तो ज़रा ठीक मकदार में छिड़कूँगी। आपकी मर्ज़ी है, कुछ स्किप करना चाहता है या किसी वजह से घर पर नहीं है और कोई बनाना चाह रहा है तो आप इसके बगैर भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इससे एक प्रेजेंटेशन अच्छी आती है। और दूसरे, अगर किसी को इसका जायका पसंद है तो इससे मज़ीद जायके में अच्छा लगता है। और हम ये सारे छिड़क के रखेंगे। अच्छा, ओवन मैंने जब इनको बॉल्स बना रही थी तो मैंने ओवन ऑन कर दिया था 180 डिग्रीज पे, और मतलब 15-20 मिनट ज़रूर पहले से होना चाहिए ऑन, इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं। चलिए हम इसको प्लेस करते हैं। अच्छा, ओवन में देखिएगा कि यहाँ पे फ्लेम है तो फ्लेम के ऊपर ना हो, दरमियान में रखें और थोड़ा ऐसे, ताकि वो एकदम से जलना ना शुरू हो जाए। अब आप 25 मिनट तकरीबन 25 मिनट के बाद ज़रूर चेक करें और फिर देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा तैयार हुआ है हनीकॉम्ब, और यही मुझे कलर चाहिए था। अब देखिए, हम इस पर वही शीरा जो पहले हम तैयार कर चुके हैं। अच्छा, हनी कॉम्ब गर्म होने चाहिए बिल्कुल, और शीरा जो है जो ठंडा हो चुका है उसको यूज़ करना है। तो इस तरह हम सब पे डाल सकते हैं। अच्छा, ओवन का मैंने आगे भी खैर जिक्र किया था, लेकिन अगर किसी ने ना समझ हो आया तो 170 to 180 डिपेंड्स के आपका ओवन अगर अच्छा बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रहा है तो 170, वरना जैसे मैंने 180 पे रखा था। गैस ओवन है, और ये तकरीबन मैंने 30 मिनट के बाद खोला था। तो अच्छा, इसका ये भी है कि टिप है कि आपको इसकी स्मेल आना शुरू हो जाती है अच्छी सी, तो उससे भी थोड़ा जैसे केक की स्मेल आती है या और चीज़ों की स्मेल आती है जब हम, अच्छा ये आपने पूरा पोर करना है। और अब इसको हम तकरीबन 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और फिर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चलें आए इसको देखते हैं। अब मैं तो भाई लगी हूँ खाने क्योंकि तैयार हो गया। आप भी अगर दिल चाह रहा हो तो तैयारी शुरू करें। अब देखते हैं कि ये कितने सॉफ्ट हैं और अंदर से किस तरह के नज़र आते हैं। तो ये देखिएगा, एक तो ये देखें सॉफ्टनेस इसकी, और जब हम इसे काटेंगे तो ये इसके अंदर जो चीज़ है वो इस तरह का थोड़ा मेल्ट हुआ, लेकिन मुझे तो बहुत ही टेस्टी महसूस होता है। आप भी खा के देखिएगा और ट्राई कीजिएगा ज़रूर। इट्स गुड। इस वक्त वॉर्म है हल्का सा, आई लाइक इट वेरी मच। मेरा ख्याल है आपके घर में बच्चे, दादियाँ नानियाँ, अम्मी अबू यकीनन सब पसंद करेंगे। तो आई थिंक हैव ए ट्राई।